प्यारे बच्चों, BLED.IN में डॉक्टर उषा आपका स्वागत करती है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं BLED फर्स्ट ईयर में आपका जो एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें टॉपिक है आपका वृद्धि का। तो आज हम आपको वृद्धि के बारे में डिटेल से बताएंगे और साथ ही आपको इसमें जो डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वृद्धि क्या है, वृद्धि की परिभाषा क्या है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषा, वृद्धि एवं विकास में अंतर। आज हम आपको इतने टॉपिक्स क्लियर करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि ये जो आज हमने टॉपिक लिया है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। बच्चों को समझ में तो आता है लेकिन थोड़ा देर में समझ में आता है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर वृद्धि क्या है। जैसा कि हम देखते हैं ना, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ आप देखते हैं कि धीमे धीमे वो बड़ा होता है ना। तो जो वो बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे क्या हो रहा है कि उसके शरीर में ग्रोथ हो रही है। पहले वो बालक था, ठीक है, सारी अपनी दैनिक क्रियाएँ अपने बिस्तर पर ही करता था। धीमे धीमे उसने क्या किया, धीमे धीमे उसने उठना शुरू किया, पलंग से उतरना शुरू किया। तो ये क्या है, ये उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसके शरीर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यानी कि जो शारीरिक वृद्धि है, जो शारीरिक वृद्धि है उसको हम वृद्धि से रिलेट करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये आप समझ रहे होंगे। साधारण तौर पर यहाँ पर जो ग्रोथ है उसका अर्थ है कि बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होना और अंगों की कार्य करने की क्षमता विकसित होना। जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म के साथ साथ अपने शारीरिक विकास को करता है और शारीरिक विकास करने के साथ साथ उसकी की कार्य क्षमता जो होती है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे छोटे में आप देखते होंगे कि वो अपनी दूध की बॉटल भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर इस कार्य को करने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। और बार बार जब हम उससे प्रयास कराते हैं कि वो अपनी बॉटल को पकड़ने लग जाए, साधने लग जाए, तो क्या होता है, वो धीमे धीमे ये कार्य को करने लग जाता है। तो यानी कि उसकी क्षमता जो पहले वो नहीं कर पा रहा था उसमें क्या होता है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो जो वृद्धि है वो बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जैसा कि पहले जो बालक नहीं कर पा रहा था उसको उसने करना धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू कर दिया है। यानी कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है वृद्धि के साथ साथ। अब प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने वृद्धि को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो वृद्धि की परिभाषा हम आपको, अलग अलग विद्वानों ने वृद्धि और विकास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं हर्बर्ट सोरेनसन। अब हर्बर्ट सोरेनसन क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया। उन्होंने सिंपल सी एक बात कही है कि जैसे कि हम धीमे धीमे हम क्या होते हैं कि कुछ महीने के हुए, फिर कुछ साल के हुए, तो उससे आप स्पष्ट देखते हो कि क्या होता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हम छोटे से बड़े हो जाते हैं। और जब हम छोटे से बड़े होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हमारी बोन्स डेवलप होंगी ना, उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो जब हम लंबाई और चौड़ाई में बढ़ेंगे तो हमारा भार भी बढ़ेगा, भार के साथ हमारा आकार भी बढ़ेगा। तो इसको हम डायरेक्टली नाप सकते हैं कि भाई हमारी क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है या हमारी वृद्धि हो रही है, और इसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार शारीरिक वृद्धि इसी को बताते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जब हमारा शारीरिक अंगों में हमारा भार बढ़े, उनका आकार बढ़े, तो इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ग्रोथ कहते हैं, और इसको हम माप सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अगले जो साइंटिस्ट थे वो फ्रैंक थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ग्रोथ के बारे में अपनी जो परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार से है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं।
इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं भार को व्यक्त करती है। यदि आप गौर से देखें तो जो फ्रैंक ने जो वृद्धि की परिभाषा दी है वो कुछ सोरेनसन से मिलती जुलती है। इन्होंने भी यही कहा है कि भाई जब शरीर डेवलप होगा, जब शरीर की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो इसका वेट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वृद्धि होगी। तो उन्होंने यही बताया है कि भाई हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ परिवर्तन होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वृद्धि कहेंगे। और ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीमेंट होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अब आगे देखें, यहाँ पे हमने आपको हर्बर्ट सोरेनसन और फ्रैंक के अनुसार वृद्धि की परिभाषा बताई है। अब हम आपको बताएं कि आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, क्या अर्थ है इसका, बाल विकास का अर्थ क्या है। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि ग्रोथ क्या है, अब हम आपको बता रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो विकास जो है प्यारे बच्चों, इसको हम बता दें कि जब शिशु गर्भावस्था में होता है तो उस समय से लेके और एट द टाइम ऑफ डेथ यानी कि प्रौढ़ा अवस्था तक उसके शरीर में विभिन्न परिवर्तन आते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार से विकास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये गर्भावस्था में भी होगी, शैशवावस्था में भी होगी, फिर जब बालक की बाल्यावस्था आएगी उस समय भी, पुबर्टी के समय, किशोरावस्था में भी और एडल्ट स्टेज में भी, कई अवस्थाओं से गुजरते हुए ये एटलीस्ट डाइक्लाइनी तक पहुंचती है और तब तक विकास बराबर चलता रहता है किसी ना किसी रूप में। तो हम कह सकते हैं कि विकास, जैसे मान लीजिए बच्चों में जो विकास था, बच्चों से मान लीजिए उसने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में विकास किया, ठीक है, इसके बाद किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जो विकास की अवस्थाएं आई उससे विकास गुजरा। तो यानी कि विकास क्या है, एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जिस समय जिस तरह के विकास की आवश्यकता होगी उस तरह से विकास क्या हो, विकास होगा। जबकि वृद्धि क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास क्या है, एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई ठीक है अभी आप ऐसा करो कि अभी आप एक्सरसाइज कर लो, है ना, अभी आप साइकिलिंग कर लो, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो पेरेंट्स इसीलिए कहते हैं कि ठीक है अभी आप योगा कर लो, अभी आप दौड़ लो, अभी आपकी ग्रोथ की स्टेज है, अभी हो जाएगा। क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, एक लिमिटेड समय तक ही होती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर प्रक्रिया है, वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक एंडलेस प्रोग्राम है। इसलिए वृद्धि जो है वो 18 साल तक होती रहती है, उसके बाद वो रुक जाती है। फिर आपके शरीर की जो लंबाई है वो नहीं बढ़ेगी, आपका जो शरीर है जैसा बन गया वैसा ही हो रहेगा, लेकिन आप उसमें विकास कर सकते हैं क्योंकि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखें कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने आखिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बाल विकास है, उसको किस तरह से परिभाषित किया है। तो स्किनर के शब्दों में बाल विकास क्या है, विकास कोई भी जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जैसे कोई भी बच्चा है वो क्या करता है, वो एनवायरनमेंट से क्या करता है, रिएक्शन करता है। जैसे उसको मान लीजिए खेलना है तो वो बॉल लेता है और बॉल को क्या करता है, वो बार बार अपने पैर से हिट करता है। तो उससे क्या होता है, उससे उसकी बॉडी में क्या होता है, उसके पैरों की मसल्स मजबूत होती हैं, ग्रोथ तो हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि वो अब क्या कर रहा है, वो विकास कर रहा है,
वो अपने पैरों की मसल्स को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो वातावरण से वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन के फलस्वरूप जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है स्किनर के शब्द। अब देखें हरलॉक क्या कहते हैं। हरलॉक कहते हैं विकास अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इन्होंने सरल शब्दों में हम आपको समझा दें कि हरलॉक ने क्या कहा है। हरलॉक ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तो हमने आपको वैसे ही बता दिया था कि एक लिमिटेड होती है, तो जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय ये क्या, ये आपके एडल्ट स्टेज तक परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। जब तक आपको परिवर्तनों की आवश्यकता होती है परिपक्व अवस्था तक, तब तक विकास होता रहता है, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और जब तक हम समय के अनुसार हमारे लक्ष्य, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए हम अपने में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है, नवीन विशेषताएं आती हैं और नवीन योग्यताएं दिखने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और हम उसके एवरेज में उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं जितना कि वो कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है। घर पे जब वो पढ़ के आता है और यहाँ क्लास में हम जब देखते हैं कि हमारे टीचर जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो उसको जल्दी समझ में आता है और वो चीज़ों को जल्दी रिप्लाई करता है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें कुछ योग्यताएं डेवलप हो रही हैं, उसमें के अंदर कुछ एबिलिटीज आ रही हैं, उसके अंदर कुछ विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। तो ये विशेषताएं क्या हैं, यही उसका विकास है। जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसको, इस क्षमता को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। तो विकास जो है वो एकदम से कोई पनपने वाली, एकदम से दिखते तो हम एकदम से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कार्य हो रहा होता है। तो विकास क्या है, विकास जो है वो परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं को प्रकट करता है। अब आगे हम देखें कि गेसेल के शब्दों में विकास क्या है। उन्होंने बताया कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक तीन दिशाओं, जैसे शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। देखिए, यदि हम किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट कहें, यदि हम ये कहें कि सारे साइंटिस्ट का एक्सट्रैक्ट क्या है, तो लगभग जो सार है वो सबका एक ही है। बस इनके क्या हैं, इनके जो शब्दों का जो जुड़ाव है वही अलग अलग है। देखिए, इन्होंने भी क्या कहा है कि शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान और व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको यदि हम मेज़र करें, उसको यदि हम नापें, तो हम समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, बालक में विकास हो रहा है, क्योंकि हम उसका परिवर्तन देखेंगे। जैसे मान लीजिए आज हम एक 9 साल के बच्चे से मिलते हैं, जब वही बच्चा 12 साल का हो जाता है तब हम उससे मिलते हैं, और जब वही 15 साल का हो जाता है तब हम उससे मिलते हैं, तो हम समझते हैं, तो हम देख पाते हैं कि उस बच्चे में क्या हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है। वृद्धि तो शारीरिक विकास के साथ साथ चल ही रही है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि उसके बोलने की, उसके एटीट्यूड, ठीक है, और उसके बात करने का ढंग, उसके उठने बैठने का ढंग, वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि उसमें विकास हो रहा है। इस प्रकार से विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। इसमें जो बालक है उसकी कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति की भी जानकारी
प्राप्त होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी बच्चे को हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में देखेंगे तो हम जानेंगे कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस क्या हैं, विकास के द्वारा ही उसमें आ रहे हैं। हम किसी बच्चे को देख के ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए बचपन में यदि उसको वर्ण के ज्ञान में बड़ी दिक्कत आई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के भी वैसा ही हो। आगे चल के यदि उसने अपने आप में सीखा है, जाना है, प्रयास किया है, मेहनत की है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा। यानी कि उसमें उसने अपने आप को क्या किया है, विकसित किया है, मेहनत की है, लैबोरेट किया है, ठीक है। तो उसके उसकी जो कार्य करने की कुशलता है वो यदि हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि नहीं यार, ये बच्चा पहले तो वही था जिसको आता नहीं था कुछ भी, आज देखो वो कहाँ है। तो निश्चित रूप से उसने क्या किया है, उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, तभी वो आज क्या है, विकास को प्राप्त हो पाया है। वृद्धि क्या है, मात्रक परिवर्तनों को प्रकट करती है, और दूसरी ओर विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है, यानी कि क्वालिटेटिव जो चेंजेस हैं उनको प्रकट करता है। इस प्रकार से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या है, साथ साथ चलती है और एक दूसरे की पूरक भी है। यदि वृद्धि होगा तो विकास होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बिना ये संभव नहीं है। अब हम आपको बता दें कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप अवश्य समझ जाएंगे। देखिए, हमने आपको कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो ग्रोथ और विकास दोनों को हमने बाइफर्केशन किया है, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो ग्रोथ है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज है, और जबकि विकास क्या है, एक क्वालिटेटिव चेंज है। वृद्धि शब्द जो है वो परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उसकी क्या होगी, उसकी हड्डियाँ बढ़ेंगी, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। लेकिन वहीं यदि हम डेवलपमेंट देखें तो ये क्या है, क्वालिटेटिव परिवर्तन, यानी कि उसकी क्वालिटी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी से मतलब है कि पहले जो बच्चा था जो हिचक हिचक के बोलता था, शब्दों का विन्यास सही नहीं था, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ता था तो छोड़ छोड़ देता था, उसकी ग्रेस्पिंग पावर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, उसको कार्य करने की क्षमताएँ उसमें विकसित हो रही हैं, उसका दिमाग क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, उसके अंदर क्वालिटी डेवलप हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो वृद्धि विकास का एक क्या है, छोटा रूप है, विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण है। समझ में आ रहा है ना कि जो ग्रोथ है वो क्या है, विकास के अंदर ही आती है, लेकिन विकास शब्द क्या है, एक वाइड वर्ल्ड है, एक विस्तृत वर्ल्ड है, वृद्धि क्या है, इसका एक छोटा सा भाग है। और बता दें नेक्स्ट में कि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो लाइफ टाइम नहीं चलती, बालक के पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम मानते हैं कि 18 के बाद, आफ्टर 18 हम क्या होते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि हमारी 5 feet हाइट होनी हो तो उतनी हो जाती है, 5.5 होनी हो तो उतनी हो जाती है, 5'2" होनी हो तो उतनी, उसके बाद फिर हमारी हाइट नहीं बढ़ती, हमारी हड्डियों का विकास जो है, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो जितनी होनी होती है उतनी हो जाती है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने तक यह क्या है, विकास कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी कि जब तक हम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं तब तक किसी न किसी रूप में शरीर में विकास होता ही रहता है, ठीक है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक विकास तो जैसा हमने आपको बताया कि वो संपन्न हो जाता है, लेकिन हमारा जो वृद्धि जो है वो तो संपन्न हो जाती है, लेकिन विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए, हमने पहले भी बताया था कि बच्चा जो है वो समयानुसार धीमे धीमे बड़ा होता है, उसको आप देखते हैं कि हाँ बालक कक्षा एक का है, बालक दो में आ गया है, बालक पाँच में आ गया है, बालक ने ट्वेल्थ कर ली है, तो आप देख रहे हैं कि बच्चा क्रमिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन आप विकास को देख नहीं सकते। विकास क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था, आप उससे कहते थे बेटा किताब पढ़ो, तो उसको पढ़ने में हिचक होती थी, लेकिन आप कुछ वर्षों के बाद देखते हैं कि यदि हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा आ जाओ, आज एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है और आपको मंच पे 2 मिनट का बोलना है, तो वो कहता यस मैम आई एम रेडी टू स्पीक, तब आप कहोगे कि अरे कि वही बच्चा है जो किताब देख के नहीं पढ़ पाता था, आज बोल रहा है, आज बोलने का प्रयास कर रहा है इतने लोगों के बीच में। यानी कि उसके अंदर क्या हुआ है, विकास की प्रक्रिया सतत चलती रही है और आज उसने अपने आप को इस रूप में ढाल लिया है कि वो इतने लोगों के सामने बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता, ये एक अप्रत्यक्ष रूप में क्या होती है, प्रकट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कार्य चल रहा होता है। उसी तरह से नेक्स्ट हैंड पे हम बता दें आपको कि वृद्धि को हम माप सकते हैं कि भाई ठीक है आपकी इतनी ग्रोथ हो गई, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। अब हम आगे आपको बता दें कि आखिर इन सब बातों के बाद कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आखिर क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इतना पढ़ने के बाद निकल के आई कि आखिर हम विकास को क्या कहें। प्यारे बच्चों, बता दें हम आपको, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अविरल चलने वाली, ठीक है, क्रमिक का मतलब होता है ग्रेजुअली, यानी कि एकदम से प्रकट हो गई हो, ये भी धीमे धीमे चल रही है और कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से दिख जाता है, भले ही आप बहुत सालों बाद किसी से मिले हों तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें परिवर्तन बहुत आ गया है, ये बहुत डेवलप्ड हो गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रमिक प्रक्रिया चल रही थी। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। आप समझ रहे हैं कि जो विकास है उससे शरीर का विकास होता है, उसके फंक्शंस का विकास होता है, उसकी सोच, उसकी लैंग्वेज, ठीक है ना, और उसका जितना भी आप देखते हैं कि भाई समाज में उठना बैठना, गतिविधियां करना, वो समस्त तरह के विकास क्या होते हैं, विकास की अवधारणा में परिलक्षित होते हैं। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत उसके इंटरेस्ट, उसकी हैबिट्स, उसका विज़न, ठीक है, जीवन मूल्यों, उसका नेचर, उसका अपना पर्सनालिटी, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें विकास में आती हैं, ये सब चीज़ें हम क्या होते हैं, जीवन पर्यंत क्या करते हैं, जीवन पर्यंत इन चीज़ों में हम प्रयास करते हैं और प्रयास के फलस्वरूप अपने आप में क्या करते हैं, इनको शामिल करते हैं। बाल विकास का तात्पर्य है कि बालक के विकास की प्रक्रिया, कि बालक का विकास कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्रिया चल रही है, कौन कौन से स्टेप्स को वो पास आउट कर रहा है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है और विकास की प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरता हुआ परिपक्व अवस्था तक विकास को प्राप्त करता है। अब हम एक बात और बता दें कि बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्न बातों को शामिल किया जाता है कि आखिर विकास क्या है। तो एक बार ये क्या है, एक रिवीजन है कुछ लाइनों में। तो जन्म लेने से पूर्व, यानी कि हम आपको बता चुके हैं, गर्भावस्था,
गर्भावस्था से और परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तन ही क्या हैं, बाल विकास में आते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, इसको हम बाल विकास में जानते हैं। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चेंजेस आते जाते हैं, तो ये परिवर्तन जो हैं उनका जो है ना वो वृद्धि विकास के साथ रिलेशनशिप है। आगे देखेंगे हम बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, कि विकास हो रहा है। बालकों में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कभी कभी कुछ ऐसे जीवन में नेगेटिव कार्य होते हैं, उस समय हम देखते हैं कि आखिर हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस समय हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो सारी रिएक्शंस भी क्या होती हैं, बाल विकास को प्रभावित करती हैं। क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद आप जान जाते हैं उसकी क्षमताओं के बारे में, जान जाते हैं कि आगे भविष्य में ये बच्चा क्या करेगा, तो उसके परिवर्तनों के आधार पर ही तो हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, यानी कि उसके विकास के विषय में बता सकते हैं। तो यही क्या है, यही विकास है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का होना या अथवा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप इनमें अंतर होता है? बिल्कुल सही बात है कि भाई हर दो बच्चे जो हैं वो एक से नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी में विकास की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, हर किसी की क्षमताओं का विकास क्या है, अलग अलग है। इसलिए हम कोई भी दो बच्चों में विकास को इक्वली नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, जो भी बालक है, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, तो हम दो बच्चों में कभी भी इक्वलिटी देख ही नहीं सकते। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस आनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है। बालक में गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती है, इस प्रगति का विभिन्न आय एवं विभिन्न आयु एवं अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है, इनको हम क्या कहते, इनको हम जानते हैं कि आखिर विकास क्या है। बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के साथ, जन्म के समय से लेकर निरंतर जो परिवर्तन होते रहते हैं, तथा विभिन्न आयु वर्ग और अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है, तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति है, इस सबको हम बाल विकास के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रोथ तो एक डेफिनेट समय के बाद रुक जाती है, लेकिन हम लोगों का जो विकास है वो अनवरत चलता रहता है, और उस विकास में हम देखते हैं कि हमारी जो, मान लीजिए आज हमें किसी चीज़ में रुचि है, कल हमें नहीं होती, हमारी कुछ अच्छी या बुरी आदतें समय के अनुसार आती जाती रहती हैं, हमारे जो नेचर है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये सभी परिवर्तन क्या हैं, ये विकास में निहित हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको बताया चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका वो है एक विषय है जो BEd फर्स्ट ईयर में, उसमें हमने आज आपको बताया कि आखिर ग्रोथ क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार ग्रोथ क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। एटलीस्ट हमने जाना कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम कैसे जान पाएंगे कि दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। इसके बाद हम आपको आगे के सेशन में पढ़ाएंगे कि इसमें आगे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, और आपके सिलेबस में जो है हम उसको लेकर आएंगे। अच्छा, हम आपसे एक बात कहेंगे कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, और जब हमें कोई दूसरा पढ़ाता है, तो दूसरा जो पढ़ाता है उससे हमें चीज़ों को समझने में क्या होता है, आसानी होती है।
लेकिन हमें खुद से प्रयास करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तब हमें क्या होता है, चीज़ें समझ में आती हैं, और कोई पढ़ाता है तो हमें वो चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप पढ़ें और हमसे आपकी जो मदद हो सके उसके लिए आप हमसे कहें। तो आप हमसे मैसेंजर में चैट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, और आपको एक विशेष कार्य करना है कि आपको हमारा, हमने जो भी पढ़ाया उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। यदि आप ये तीन काम हमारे साथ करते रहेंगे तो हम यूं ही आपके संग अनवरत चलते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर उषा आज के इस प्रोग्राम में आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी। गुड डे।